हाँ गाइस, तो चलिए फिर आपके लेके आ गए बेस्ट बजट लैपटॉप्स 2022। और इसके अंदर आपको ये जो सीरीज है, इसके अंदर आपको सजेस्ट करेंगे काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन सारे लैपटॉप्स। और ये जो सीरीज होने वाली है स्टूडेंट्स के लिए भी होने वाली है, तो स्टूडेंट कोई लैपटॉप्स बाय करने के लिए सोच रहे हैं तो इसको जरूर देखेगा। गेमिंग के लिए आपको कोई लैपटॉप लेना है या एडिटिंग या कोडिंग के पर्पज से अगर आप लैपटॉप ढूंढने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए या आप ऐसी वीडियोज देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक करेगा, और अगर आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर पहले लैपटॉप की मैं बात करूं तो उसकी जो प्राइसिंग होने वाली है अप्रॉक्स 30,000 के अप्रॉक्स लैपटॉप्स पड़ जाएंगे। और अगर फर्स्ट लैपटॉप की बात करूं तो एसुस का एसुस वीवो बुक 14 आ जाता है। और स्पेसिफिकेशन की मैं बात करूं तो काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ ये आता है। प्रोसेसर जो इसके अंदर मिल जाता है वो 10th Gen का इंटेल i3 प्रोसेसर के अंदर प्रोवाइड किया गया है। और अगर रैम की मैं बात करूं तो 8GB रैम इसके अंदर प्रोवाइड की गई है। और अगर स्टोरेज की मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको नॉर्मल SSD तो नहीं मिलती है, बट HDD आपको 1TB के अंदर प्रोवाइड की गई, तो स्टोरेज भी आपको काफी सही इसके अंदर मिल जाता है। और ये जो लैपटॉप है विंडो 10 पे रन कर रहा है, तो अपडेट्स वगैरह आएगा तो आपका 11 पे भी शिफ्ट हो जाएगा। और चलिए फिर ग्राफिक्स की बात करें तो इंटेल का UHD ग्राफिक्स इसके अंदर मिल जाता है, तो काफी अच्छी ग्राफिक्स वगैरह आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। बट नॉट श्योर कि काफी अच्छी कलर शाइन इसके अंदर मिलने वाली है, बट प्राइस इनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो काफी अच्छे आपको ग्राफिक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए फिर बात करें डिस्प्ले की, तो 14 इंच की आपको इसके अंदर डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है। और जो रेजोल्यूशन है वो आपको 1920x1080 पिक्सल का इसके अंदर रेजोल्यूशन मिल जाता है, तो डिस्प्ले के अकॉर्डिंग तो काफी अच्छा आपको इसके अंदर डिस्प्ले मिल जाती है। चलिए फिर प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो जो प्राइस होने वाली है वो 30,990 के अप्रॉक्स ये पड़ जाता है। तो अगर आप कोई 25,000 से 30,000 या 35,000 के अप्रॉक्स कोई लैपटॉप ढूंढ रहे तो आपके लिए काफी अच्छी ये डील बन जाती है। चलिए फिर नेक्स्ट लैपटॉप की बात करें तो जो रियलमी की तरफ से आता है, रियलमी का बुक स्लिम आ जाता है। और ये भी जो लैपटॉप है काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन दिया आ जाता है। अगर प्रोसेसर की मैं बात करूं तो सेम i3 के साथ आता है, बट 11th Gen के साथ ये आ रहा है, तो काफी अच्छा ये आपको प्लस पॉइंट इसके अंदर मिल जाता है। और अगर नेक्स्ट बात करें इसके ग्राफिक्स की, तो इंटेल का UHD ग्राफिक्स इसके अंदर मिल जाता है, तो काफी अच्छी आपको ग्राफिक्स कार्ड भी इसके अंदर लगा मिल जाता है। डिस्प्ले जो आपको इसके अंदर मिल जाती है 14 इंच की डिस्प्ले मिल जाती है। और रेजोल्यूशन की मैं बात करूं तो आपको 2160x1440 का रेजोल्यूशन आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो अगर फर्स्ट वाले से मैं कंपेयर करूं आसुस का वीवो 14 से, तो इसके अंदर आपको रेजोल्यूशन काफी अच्छा इसके अंदर प्रोवाइड किया गया, तो डिस्प्ले भी काफी आपको अच्छी इसके अंदर मिल जाती है। चलिए फिर बात कर लेते हैं इसके रैम की, तो इसके अंदर आपको 8GB की रैम और जो SSD इसके अंदर मिलती है आपको 256 की आपको SSD इसके अंदर प्रोवाइड की गई। तो SSD की वजह से जो परफॉर्मेंस होती है और जो विंडो ओपन होने की जो स्पीड होती है वो काफी अच्छी आपको इसके अंदर मिल जाती है। चलिए फिर बात करते हैं बैटरी की, तो 65W की आपको इसके अंदर बैटरी प्रोवाइड की, टाइप सी चार्जिंग के साथ ये आ जाता है, तो आपको कोई भी केबल कैरी करने के लिए जरूरत नहीं है, आपका फोन और आपका लैपटॉप एक ही केबल से चार्ज हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं किस पे ये रन कर रहा है, तो विंडो 10 पे ये भी रन कर रहा है, बट अपडेट्स आएंगे तो जैसा कि आपका 11 पे शिफ्ट हो जाएगा। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, चलिए फिर प्राइसिंग जो इसके अंदर होने वाली है आपको 38,900 के अप्रॉक्सी प्राइसिंग इसके अंदर पड़ जाती है। तो प्राइसिंग के अकॉर्डिंग रियलमी का जो ये है वो काफी आपको अच्छा डील आपके लिए बन जाती है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट लैपटॉप की, तो फिर से आसुस का एक लैपटॉप इसके अंदर आ जाता है, आसुस का वीवो बुक के 15 2022 एडिशन आपको इसके अंदर मिल जाता है। और जैसे कि स्पेसिफिकेशन की मैं बात करूँ तो काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ ये भी आने वाला है। जो प्रोसेसर आपको इसके अंदर मिलने वाला है i3 प्रोसेसर सेम आपको इसके अंदर मिलने वाला है, बट जो रन हो रहा है वो 11th Gen पे आता है ये। और अगर मैं बात करूँ ग्राफिक्स की, तो UHD आपको ग्राफिक्स इसके अंदर भी मिल जाता है इंटेल की तरफ से आने वाला। और ये जो रैम अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स आपको 8GB की रैम इसके अंदर मिलने वाली है। और जो स्टोरेज है वो 256GB आपको इसके अंदर SSD इसके अंदर मिल जाती है, तो SSD की वजह से परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी अच्छी इसके अंदर मिल जाती है। और अगर मैं बात करूं कि ग्राफिक्स क्या मिल रहा है, तो जैसा कि मैंने बताया UHD का ग्राफिक्स इसके अंदर मिल जाता है। और अब बैटरी की बात करें तो 65W की टाइप सी चार्जिंग इसके अंदर मिल जाती है, तो नॉर्मली वैसा कि मैंने बताया आपको कोई भी केबल आपको कैरी करने के लिए जरूरत नहीं। चलिए बात करते हैं विंडो की, तो ये विंडो 10 पे रन कर रहा है, और जैसा कि जब अपडेट आएगा तो वो विंडो 11 पे भी रन होने लगेगा। तो प्राइसिंग की बात करें तो जो प्राइसिंग आपको इसके अंदर मिलने वाली है 40,000 के अप्रॉक्स पड़ जाता है। तो अगर आपका बजट कोई 40,000 के लैपटॉप लेने के लिए, तो आपके लिए काफी अच्छी डील है। चलिए तो फिर आप अपने बजट को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि अब तो प्राइसिंग जो होने वाली है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जो ये प्राइसिंग होने वाली है वो आपको 50,000 के अंदर मैं अब जो आपको लैपटॉप सजेस्ट करूंगा। और ये जो लैपटॉप्स होंगे थोड़े गेमिंग्स के भी हो सकते हैं और थोड़े से आपको स्टूडेंट्स के लिए भी मिल जाते हैं, अगर आपको कोडिंग वगैरह के पर्पज से लेना है। और फर्स्ट लैपटॉप की अगर मैं बात करूँ तो मी का नोटबुक
प्रो जो इसके अंदर आ जाता है। और अगर प्रोसेसर की मैं बात करूँ तो इंटेल का i5 प्रोसेसर के अंदर मिला गया है, और इसके अंदर जो अगर मैं बात करूँ नेम तो इंटेल टाइगर लेक इन्होंने कहा है, और कोर जो है i5 प्रोसेसर के अंदर मिला था, 11 जन के साथ ये वर्क कर रहा है। और अगर मैं बात करूँ रैम की तो इसमें आपको 16 GB की रैम इसके अंदर मिल जाती है, तो एक प्लस पॉइंट है, रैम ज़्यादा तो परफॉर्मेंस ज़्यादा। और अगर मैं बात करूँ स्टोरेज की तो आपको 512 GB की SSD इसके अंदर प्रोवाइड की गई, तो उससे भी जो विंडो की ओपन करने की स्पीड है वो काफ़ी अच्छी आपको इसके अंदर मिल जाती है। चलिए फिर बात करते हैं डिस्प्ले की, तो 14 इंच का आपको ये लैपटॉप मिल जाता है। और अगर रेजोल्यूशन की मैं बात करूँ तो 2560x1600 का रेजोल्यूशन आपको इसके अंदर मिल जाता है, तो डिस्प्ले की जो एक्यूरेसी आपको काफ़ी सही मिल जाती है। तो अगर आप एडिटिंग पर्पज से लेना चाहते हैं तो कलर एक्यूरेसी आपको काफ़ी पंची इसके अंदर मिलने वाली है। चलिए फिर बात कर लेते हैं कि जो विंडो होगा वो क्या होगा, तो विंडो जो आपकी विंडो 11 पे रन कर रहा है। चलिए फिर प्राइसिंग की बात कर लेते हैं कि क्या प्राइसिंग इसके अंदर होने वाली है। तो जो प्राइस होने वाला है 53,990 के अप्रॉक्स ही पड़ने वाला है। अगर आप कोई डील वगैरह लगाते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह लगाते हैं, तो अप्रॉक्स 50,000 के अप्रॉक्स पड़ जाएगा, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी ये डील बन जाए। चलिए फिर बात करते हैं गेमिंग की, तो जो लोग गेमिंग वगैरह खेलना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी CPU और GPU काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कूलिंग वगैरह काफ़ी अच्छी इसके अंदर होनी चाहिए। इसके अंदर जो लैपटॉप आता है HP का पवेलियन राइजन 5 हेक्सा कोर 5600H इसके अंदर आ जाता है। और अगर स्पेसिफिकेशन की मैं बात करूँ काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन इसके अंदर मिलने वाली है। AMD का प्रोसेस के अंदर आता है, AMD का हेक्सा कोर राइजन 5600H इसके अंदर प्रोसेस के अंदर मिलने वाला है। जो ग्राफिक्स है 4 GB आपको GeForce G6 x 1650 अंदर ग्राफिक्स दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा इसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड इसके अंदर आपको प्रोवाइड किया गया है। डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, डिस्प्ले 15.6 इंच की आपको इसके अंदर डिस्प्ले प्रोवाइड की गई, तो काफ़ी बड़ी आपको इसके अंदर डिस्प्ले मिल जाती है, तो जो यूज़र एक्सपीरियंस जो होगा काफ़ी आपको अच्छा इसके अंदर मिल जाता है। चलिए फिर रेजोल्यूशन की मैं बात कर लेता हूँ, तो 1080 पे जो रेजोल्यूशन है आपको काफ़ी अच्छा इसके अंदर मिल जाता है। 1080p डिस्प्ले बट जो रेजोल्यूशन है काफ़ी आपको अच्छा इसके अंदर मिल जाता है, क्योंकि जो ग्राफिक्स कार्ड है काफ़ी आपको 4 GB का अच्छा ग्राफिक कार्ड इसके अंदर मिल जाता है। चलिए अभी बात करते हैं कि विंडो क्या मिलने वाली, तो विंडो 11 पे ये रन कर रहा है। SSD जो मिलने वाली है 512 GB की SSD इसके अंदर मिल जाती है, और 8 GB की आपको उसके अंदर रैम मिल जाती है। थोड़ी सी रैम और ज़्यादा होती तो काफ़ी अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस मिल जाता, बट प्राइस के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि जो प्रोसेसर आपको मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग रैम ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं प्राइस की, तो जो प्राइस होने वाली है 54,990 ये भी है इसकी प्राइस होने वाली है। तो अगर दोनों को मैं कंपेयर करूँ तो रैम के मुकाबले में, तो अगर आपको रैम काफ़ी ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए जाइए, बट अगर आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा चाहिए, गेमिंग करनी है आपको, कोडिंग करनी है, तो उसके लिए आप इसे HP के पवेलियन को देख सकते हैं और काफ़ी आपके लिए अच्छी ये डील होगी। फिर नेक्स्ट लैपटॉप की बात करते तो ये MSI की तरफ से आता है, MSI का मॉडर्न 14 ये आ जाता है। और अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ इसमें आपको AMD का राइजन 5 प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है, 5500U का मॉडल है। और अगर ग्राफिक्स की मैं बात करूँ तो ग्राफिक्स कार्ड जिसके अंदर मिले AMD का रेडियन ग्राफिक्स इसके अंदर मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो 14 इंच का ये लैपटॉप है, और इसके अंदर जो रेजोल्यूशन की मैं बात करूँ तो 1920x1080p की इसके अंदर आपको रेजोल्यूशन इसके अंदर मिल जाता है। रैम जो है 8 GB की रैम इसके अंदर प्रोवाइड की गई है, और जो स्टोरेज है 256 GB की आपको NVMe SSD इसके अंदर प्रोवाइड की गई, तो परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी इसके अंदर मिल जाती है। चलिए बात करते हैं कि विंडो कौन सी रन कर रहा है, तो विंडो 10 पे ये रन कर रहा है, और अपडेट आएगा तो बेसिकली आपका 11 पे शिफ्ट हो जाएगा। चलिए फिर बात करते हैं प्राइसिंग की, प्राइसिंग क्या होने वाली, तो प्राइसिंग जो है 58,990 के अप्रॉक्स से पड़ जाती है। थोड़ी सी प्राइसिंग मुझे ज़्यादा लगी अगर मैं कंपेयर करूँ HP के पवेलियन से, तो उसके अंदर आपको प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है, ग्राफिक्स कार्ड भी अच्छा दिया गया है, तो अगर आपको थोड़ा सा प्राइस अगर आप कम कर सकते हैं, और अगर आप HP के लैपटॉप्स लेना चाहते हैं तो आप, मैं प्रेफर करूँगा कि आप वही वाला लैपटॉप्स ले लिए HP का पवेलियन वाला, बट अगर आप MSI के लिए फ़ैन है तो आप MSI का भी लैपटॉप लेते हैं, ये भी कोई बुरी डील आपके लिए नहीं होती। अब जो मैं आपको लैपटॉप्स बताने वाला हूँ, ये जो लैपटॉप्स होंगे वो आपको 60,000 के आपके ऊपर वाले होने वाले, तो मैं आपसे ये एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर आप 60,000 रुपीज़ जो है आप अगर आप लैपटॉप्स को दे सकते हैं तो थोड़ा सा आप बजट और भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं आपको एक ही लैपटॉप प्रेफर करूँगा, मैकबुक, और मैकबुक में आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर मिल जाती है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको उसके अंदर मिलती है, बिल्ड क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, तो टोटल ऑल जो पूरा बजट है काफ़ी आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन मिल जाता है। चलिए मैं बात करते हैं स्पेसिफिकेशन क्या मिलने वाली है, तो मैकबुक एयर M1 चिप वाली की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें जो प्रोसेसर मिलता है एप्पल की M1 चिप इसके अंदर मिल जाती है, 8 Core GPU इसके अंदर मिल जाता है, तो परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी इसके अंदर प्रोवाइड की गई है। और अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की तो 13 इंच का ये लैपटॉप है, डिस्प्ले भी काफ़ी आपको इसके अंदर अच्छी ही मिलती है। और अगर रैम की मैं बात करूँ तो 8 GB की रैम है, और 256 GB की आपको इसके अंदर GB SSD इसके अंदर मिल जाती है,
तो ये भी काफी आपको अच्छा एक्सपीरियंस देगी। तो अगर आप 60,000 के ऊपर अपना बजट पुश कर रहे हैं तो प्लीज आप, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप मैकबुक की तरफ जाइए, क्योंकि ये जो लैपटॉप्स होते हैं अप्रॉक्स 4-5 साल तो आप भूल जाएगी कोई प्रॉब्लम होने वाली है, और जो परफॉर्मेंस में कोई भी कमी आपको इसके अंदर नहीं मिलती है। तो अगर आपका प्राइसिंग ये है अप्रॉक्स 70-50-80 के अप्रॉक्स, तो आप मैकबुक की तरफ जाइए, काफी आपको अच्छा यूजर एक्सपीरियंस और आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस ये लाके देते हैं। तो ये रही थी पूरी वीडियो जो जिसके अंदर हमने आपको सारे लैपटॉप सजेस्ट किए, और अगर आपके हिसाब से कोई लैपटॉप छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा और बताएगा कि आपको ये जो सीरीज हम लाए कैसी लगी, सपोर्ट जरूर करेगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करेगा। चलिए फिर आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।